हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ फिर से डॉक्टर पवन विक सर हैं। सर, आपका इंटरव्यू इतना ज़्यादा हमारा वायरल हुआ था कि उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए, और आज मैं आपके लिए 6 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे लोगों ने डीएम करके क्वेश्चंस पूछे हैं, तो सर डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ही आते हैं। सर, पहला जो सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन हुआ है, बेनिफिट्स एंड पर्पस ऑफ पब्लिशिंग रिसर्च पेपर एंड डज इट अफेक्ट योर रेज्यूमे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू नकुल फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। आपका ये क्वेश्चन जो है कि वेदर पब्लिशिंग पेपर यू नो इफेक्ट योर रिज्यूमे, यस इसका आंसर है यस। बिकॉज यू नो फॉर अ स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू इफ आई एम टॉकिंग, देन हर स्टूडेंट को जैसे अपने प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए और अपना जैसे अगर उनको फॉरेन कंट्री में हायर स्टडीज के लिए जाना है, पर्टिकुलरली इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, तो उन लोगों को अपने प्रोफाइल के अंदर एक रिसर्च कंपोनेंट ऐड करना होता है। और आपको पता ही होगा जैसे जो कुछ एमसीए के स्टूडेंट्स हैं या बीसीए के स्टूडेंट हैं या बीटेक के स्टूडेंट हैं, इनके पास एक मेजर प्रोजेक्ट होता है जिसको कि ये लोग 6 महीने के टाइम में कवर करते हैं। उस मेजर प्रोजेक्ट के अंदर इनके पास एक चांस होता है कि ये नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। जनरली ये उसको थीसिस तक ही छोड़ देते हैं। मैं इनमें बच्चों को यही एडवाइस कर उस और जहां तक का क्वेश्चन है कि रिसर्च पेपर पब्लिश क्यों करना चाहिए, इसका आंसर यह है कि अगर आप केवल लेकिन अगर आप इसी के साथ साथ उसको तो वो एक तो दूसरे लोग आपको इससे जानेंगे, आपको एक मीन्स वाइड ऑडियंस मिलेगी जो कि आपके बारे में जानेगी और इससे आपको पब्लिसिटी भी मिलेगी। तो मेरे हिसाब से यस वी डू पब्लिश द रिसर्च पेपर्स और इससे आपका करिकुलम वेटे जो है वो उसमें वेट बढ़ेगा और ये आपको प्लेसमेंट में और हायर स्टडीज के लिए भी हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू सर। सर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ गेटिंग योर रिसर्च पेपर पब्लिश्ड? दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन पब्लिशिंग अ रिसर्च पेपर? जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग वेक या फिर आप कह सकते हैं कि वो नेट से गूगल करके बस वो स्टेप्स जानने की कोशिश करते हैं कि रिसर्च पेपर के अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं, और वो ये सारे स्टेप्स तो आपको नेट पे मिल जाते हैं कि इंट्रोडक्शन लिखना है, आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, आपको कीवर्ड्स लिखना है, बट द थीम एग्जैक्ट फ्लो क्या है उसके लिए मैंने एक कोर्स डेवलप किया है जो कि उसका लिंक हम इस वीडियो के नीचे डाल देंगे। जी सर, जो बच्चा डिस्क्रिप्शन हाँ जो बच्चा उसको करना चाहेगा उसके लिए हम एक डिस्काउंट कूपन भी दे देंगे ताकि वो उस कोर्स को कंप्लीट करे। उसके अंदर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए गए हैं कि किस तरीके से एक रिसर्च पेपर को आपको प्रेजेंट करना है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, रिसर्च पेपर क्यों, रिसर्च पेपर के अंदर केवल और केवल ये हेडिंग्स नहीं होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि रिसर्च कंपोनेंट क्या है आपके पास। तो इसलिए आपको सबसे पहले एक रिसर्च कंपोनेंट ढूंढना है, आपने जो भी वर्क किया है उसके अंदर क्या रिसर्च है जो कि हम हाईलाइट कर सकते हैं, तभी हमें रिसर्च पेपर के बारे में आगे सोचना चाहिए। सर, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस व्हाइल पब्लिशिंग योर फर्स्ट पेपर? जैसे कि हम सब जानते हैं, आपने बहुत सारे पब्लिश किए, तो पहला एक्सपीरियंस कैसा था आपका? यस यस आई डू रिमेम्बर इन 2005 आई पब्लिश माय फर्स्ट रिसर्च पेपर। उस रिसर्च पेपर के अंदर वो उस टाइम मैंने पब्लिश किया था जब मैं एमटेक कर रहा था। उस एमटेक के दौरान मैंने एक रिसर्च पेपर, हमारे लिए मैंडेटरी था कि आपको मैंडेटरी एक रिसर्च पेपर पब्लिश करना है तभी आपको एमटेक की डिग्री प्रोवाइड होगी। तो उस दौरान मैंने एक रिसर्च पेपर, अपना पहला रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। उस टाइम लाइक बीइंग अ स्टूडेंट आई डू नॉट नो कि हाउ टू पब्लिश द रिसर्च पेपर। तो मैंने सबसे पहले ये कुछ सैंपल्स नेट से निकाले कि रिसर्च पेपर होता क्या एग्जैक्टली। फिर मुझे समझ में आया कि जो मैंने प्रोजेक्ट वहां पे किया है उसके जो रिसर्च रिजल्ट्स हैं उस रिजल्ट्स को मैं एक रिसर्च पेपर की फॉर्म में पब्लिश कर सकता हूँ। फिर मैंने उस टेम्पलेट के ऊपर, और सबसे इसके अंदर दो चीजें और ध्यान रखनी होती हैं। एक तो रिसर्च पेपर पब्लिश दो तरीके से होता है, एक तो आप जनरल कॉन्फ्रेंस में कर सकते हैं मतलब कॉन्फ्रेंस के अंदर पब्लिश कर सकते हैं, दूसरा आप जर्नल में पब्लिश कर सकते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है? कॉन्फ्रेंस बेसिकली एक ऐसा मीडिया है जिसके अंदर आपको इनपुट भी मिलता है कि आपने कुछ जो रिसर्च किया है उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्योंकि वो आप अपने पीयर ग्रुप के साथ उसके अंदर इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जर्नल क्या है? जर्नल पर्टिकुलरली वो पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए होता है। जैसे कि आपने कुछ इनोवेशन किया है तो आप उसको उस जर्नल में डाल सकते हैं,
जर्नल के एक्सपर्ट उसे चेक करते हैं कि वेदर वो उस रिसर्च वाकई में ही नई रिसर्च है या नहीं है, और वो उसके बिहाफ पे आपको रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस भेजते हैं। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है फॉर अ बिगनर, मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप लोग सबसे पहले कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने पेपर को पब्लिश करिए, उससे आपको बूस्ट भी मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और फिर आप अपनी रिसर्च को जर्नल में भी पब्लिश कर सकते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि कॉन्फ्रेंस के अंदर पेपर को पब्लिश करना चाहिए, आप अपना बताना चाहेंगे बच्चों को, जैसा कि हम लोगों का एक डिस्कशन हुआ था दैट वी आर ब्रिंगिंग अ कॉन्फ्रेंस और काफी सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग अपना पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं और उनको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे बिकॉज दे आर डूइंग देयर एफर्ट्स। यस यस यस, आई डू रिमेम्बर वी हैड अ टॉक अबाउट दिस। देखिए, मैं IEEE का सीनियर मेंबर हूँ, तो मेरे पास कई सारे कॉन्फ्रेंस की अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। वी विल डेफिनेटली एक अपकमिंग कॉन्फ्रेंस है जो कि मार्च में हो रही है, ये कॉन्फ्रेंस पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के लिए है और इसके अंदर पब्लिकेशन फीस बहुत ही कम है, ना मात्र ये है। हम लोग इसके लिए भी जो कॉन्फ्रेंस का लिंक है और उसकी डिटेल जो है वो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और जो भी बच्चा इसके थ्रू उसको सबमिट करेगा हम उसके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर करेंगे। एक्चुअली ये जो कॉन्फ्रेंस है ये पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और IoT के ऊपर बेस्ड है, और मैं इस कॉन्फ्रेंस के अंदर सेशन चेयर हूँ, तो जितना भी मेरे से बनेगा मैं इसके लिए जितनी भी हेल्प हो सकेगी इन स्टूडेंट्स की वो करूंगा। हाँ, एक चीज और, अगर किसी बच्चे को रिसर्च पेपर लिखते हुए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा ईमेल आईडी भी यहाँ पे हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जो भी बच्चा हमसे कंसल्ट करना चाहेगा हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट करेंगे और उसको बताएंगे कि उसको पेपर को वो किस तरीके से रिसर्च पेपर में कन्वर्ट कर सकता है। तो मैं अपने सारे व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट करूंगा, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइडेंस मिल रही है, तो प्लीज जितने भी आपके रिसर्च पेपर हैं, जरूरी नहीं कि आप एक ही वहां पे प्रेजेंट कर सकते हैं, आपके पास मल्टीपल पेपर है तो आप वो भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बाकी जितने भी डिटेल्स हैं हम सारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, सर की ईमेल आईडी और कोर्स का लिंक हम सारी चीजें डाल देंगे। सर, जैसा कि मैंने आपको पूछा था, आपने इतने सारे पेपर्स पब्लिश करे हैं, लेकिन वो फेवरेट रिसर्च आपकी है, क्योंकि हर किसी की कोई ना कोई फेवरेट रिसर्च एरिया होता है, कौन सी थी सर? यस, दिस इज अगेन अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, एंड यू नो एट द टाइम ऑफ PhD एवरीबॉडी हैज टू पब्लिश वन रिसर्च पेपर, और वो पेपर जो होता है वो उसकी लाइफ का क्रूशियल पेपर होता है। मेरे हिसाब से मेरे लाइफ में भी वही पेपर सबसे ज्यादा क्रूशियल था, जो कि मैंने फोटो कैटालिटिक सेंसर का सिमुलेशन किया था और उसके बिहाफ पे मुझे PhD अवार्ड हुई थी। ऑल्दो मैंने बहुत सारे पेपर्स, बहुत सारे एरिया, मल्टीपल एरियाज में काम किया है, बट येस आई डू रिमेम्बर वो पेपर जो है वो वाकई मेरा बेस्ट पेपर है, और उसके अंदर आज भी लोग उसको अपने वर्क्स में साइट कर रहे हैं और नियरली उसके ऊपर 100 से ऊपर साइटेशंस हैं, और रियली वो मेरे लाइफ टर्निंग पेपर था आप कह सकते हो, क्योंकि उसके बाद मुझे PhD अवार्ड हुआ। सर, कॉमन मिस्टेक्स ऐसी क्या रहती हैं सर जो ज्यादातर लोग करते हैं पेपर पब्लिश करते हुए, क्योंकि पेपर हमने सुना है बहुत ही कम परसेंटेज है जिनके पहली बारी में पब्लिश होते हैं, तो क्या मिस्टेक करते हैं ऐसे लोग? यस, एक्चुअली देखिए, जर्नल्स के अंदर पेपर को पब्लिश करना थोड़ा सा टफ होता है, कॉन्फ्रेंस के अंदर हालांकि इतना टफ नहीं होता है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको अपने पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, और वो कॉन्फ्रेंस का मतलब यही है कि आप अपनी क्वेरीज को वहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन जर्नल में ऐसा नहीं होता है। जनरली जो मैंने देखा है, जो कि मीन्स जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, जो कि फ्रेशर्स होते हैं और रिसर्च के अंदर, वो लोग कुछ कुछ गलतियां बहुत ही मीन्स उनसे हो जाती हैं, जैसे पर्टिकुलरली साइटिंग रेफरेंस, रेफरेंस साइट करना लोगों को लगता है कि जस्ट हमें नंबर डाल रहे हैं वहां पे 1, 2, 3, 4, जो कि गलत है, कभी कभार रेफरेंसेस के ऊपर ही पेपर रिजेक्ट हो जाता है। सेकेंडली कभी कभार कुछ टाइपो एरर रह जाती हैं, जैसे आपने THE लिखना था, आपने TH लिख दिया और वो ई प्रेस ही नहीं हुआ और आपने उसको सबमिट कर दिया, सो ये दूसरी एरर है जिसके ऊपर, मतलब दे आर वेरी पर्टिकुलर, अगर आपकी इंग्लिश गलत है या आपका टाइपो एरर है तो वो आपको जर्नल से पेपर को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देते हैं। थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही मीन सिली मिस्टेक्स है, जैसे कि आपने कोई फिगर्स अपने पेपर के अंदर साइट किया है, आपने पेपर के अंदर कोई फिगर्स डाले हैं, लेकिन आपने फिगर्स का डिस्क्रिप्शन ही नहीं डाला, आपने लिख दिया Figure 1, और वो फिगर किस चीज की है, अगर आपने उसका डिस्क्रिप्शन नहीं डाला तो ये भी एक सॉर्ट आउट होता है जिसके अंदर
मीन्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसके जिसको कि रिव्यूअर फटाफट पकड़ते हैं, ऐसे टेबल्स के कैप्शंस देखते हैं, अगर आपके टेबल्स के कैप्शंस ही नहीं है तो रिव्यूअर को मौका मिल जाता है आपके पेपर को रिजेक्ट करने का। तो आप छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स का अगर ध्यान रखो, जैसे टाइटल भी कभी कभार लोगों का इनअप्रोप्रिएट होता है, टाइटल में वो खाली दो वर्ड दे देते हैं ऑल्दो ये एक सेंटेंस होता है। ये सब चीजें मैंने उस कोर्स के अंदर कवर करी है, जो कि अगर आप उस कोर्स को करोगे तो आपको एटलीस्ट ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एक पेपर के अंदर क्या क्या चीजें हमें मेन ध्यान देनी है। एक जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी लोग मिस कर देते हैं, कभी कभार क्या होता है कि जर्नल से आपके पास कुछ कमेंट्स आते हैं कि आपके पेपर में ये मिसिंग है, ये मिसिंग है। हम लोग सोचते हैं हमारा पेपर रिजेक्ट हो गया और हम उस पेपर को वहीं पर उस कम्युनिकेशन को बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें कहीं किसी जर्नल से कोई भी क्वेरी आती है, हमें उस क्वेरी को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि उस क्वेरी को जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो उस पेपर को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कभी क्रिटिकल कमेंट्स आ रहे हैं तो आप उसको कम्युनिकेशन को बंद कर दो। मेरे हिसाब से आप उस कम्युनिकेशन को बिल्कुल स्टार्ट रखो और लेटर ऑन कोई चीज कहाँ क्लिक कर जाए कुछ पता नहीं लगता। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, और एक और यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जनरली ये भी कॉमन मिस्टेक है, जैसे कहीं लोग रिसर्च कर रहे होते हैं तो वो उनको कुछ पेपर्स चाहिए होते हैं, तो वो पेपर्स पेड होते हैं, नेट पे पेड होते हैं, और वो उसको एसेस नहीं कर पाते और वो फिर हार जाते हैं, मतलब छोड़ देते हैं उस चीज को। इसको भी छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कुछ पेपर्स मेरे हैं जो पेड हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको वो पेपर चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करो, डेफिनेटली मैं उस पेपर को आपके साथ शेयर करूंगा। इन द सेम वे कोई भी साइंटिस्ट हो, वो अपना पेपर शेयर करने में कभी भी आपको आनाकानी नहीं करेगा। इट मीन्स अगर आपको कोई चीज चाहिए और वो चीज नेट पे पेड है, तो आप सीधा उसके ऑथर को मेल डालो कि यार मुझे ये पेपर चाहिए और जिसके जो मुझे अपने पेपर इस पेपर को मैं पढ़ के अपने रिसर्च के अंदर ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए प्राउडी फील होगा, वो भी आपको डेफिनेटली वो पेपर आपके साथ शेयर करेगा। तो ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट टिप है जो कि आप कई लोग मिस कर जाते हैं। सर, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हमारे ये है, इन योर जर्नी डिड यू एवर गेट डिमोटिवेटेड एंड थॉट ऑफ गिविंग अप ऑन योर रिसर्च? नो, नॉट येट, बट यस, दिस इज द केस विद सेवरल रिसर्चर्स। कई लोग मुझे कंसल्ट करते हैं, मेरे से मिलने आते हैं, वो कहते हैं कि सर हमसे पीएचडी नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? वो डिमोटिवेटेड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे इंडिया के अंदर, ये हमारी पहली वीडियो में भी बात हुई थी कि लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, आपके पास इतनी सारी चीजें नहीं है कि आप एक अच्छी रिसर्च को कंडक्ट कर सकें। लेकिन हाँ, आप एक रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उसके पीछे लगे रहें तो आप कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकाल पाएंगे। तो एक तो ये, दूसरा यहाँ पे जो गाइड्स हैं जो आपको गाइड करते हैं, उनके पास में टाइम नहीं है, उनके पास ये समय का अभाव होता है, तो वो आपको प्रॉपरली टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो इसलिए अगर आप में से कोई अगर पीएचडी कर रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है और लिटरली कहीं स्टक है, तो उसको डिमोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है। वो हमें कभी भी कंसल्ट कर सकता है, हमारी ईमेल आईडी नीचे दी हुई है, डेफिनेटली वी विल ट्राई टू हेल्प देम आउट। उनको जिस तरीके की मदद हम कर सकेंगे हम जरूर करेंगे। एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, वो होता है फैमिली प्रेशर। क्योंकि घर में बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, उनकी फैमिली है, तो जो पीएचडी कर रहे हैं जनरली वो बैचलर्स नहीं होते हैं, जनरली वो मैरिड होते हैं, तो वो उनको अपनी फैमिली को भी लुक आफ्टर करना है, उनके लिए पैसा भी कमाना है, सब कुछ देखना है, तो यस, ये कभी कभार उसके लिए डीमोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर हम इन दोनों चीजों को अलग अलग रखें तो हम डेफिनेटली इसको कर सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो लास्ट में मैं सब लोगों को देना चाहूंगा यहाँ पे अपने व्यूअर्स को, वो ये है कि देखिए, रिसर्च पेपर जो लोग लिखना चाहते हैं वो स्ट्रेट अवे क्या करते हैं, रिसर्च पेपर लिखना शुरू कर देते हैं। वो क्या करते हैं, नेट से कॉपी कर देते हैं, कुछ भी उसके अंदर लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको सही मायने में कोई प्रॉपर रिसर्च करनी है, तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले रिसर्च के रिजल्ट निकालने कि ये मेरे रिजल्ट है। अगर आपके पास रिजल्ट हैं इन द फॉर्म ऑफ कुछ फिगर्स, कुछ चार्ट्स, तो आप हमें कंसल्ट करिए, हम आपको बताएंगे उस रिजल्ट को आप किस तरीके से रिसर्च पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। विदाउट इसके ऐसा नहीं होगा कि अगर आप किसी दूसरे के रिसर्च पेपर में से रिजल्ट निकालने और कहें जी हमें एक रिसर्च पेपर लिखना है, वो तो फिर एक फ्रॉड है। उस चीज को हम बिल्कुल मीन्स उसको डिस्करेज करते हैं, और ऐसी चीजें इथिक्स, पब्लिकेशन इथिक्स के भी खिलाफ। थैंक यू सर।
आज का इंटरव्यू भी बहुत इंटरेस्टिंग था सर, और जिसको भी पुराना इंटरव्यू देखना हो जो हमारी लास्ट वीडियो है, यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे और ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और सर जैसा कि आप इतनी हेल्प कर रहे हैं लोगों की, एक इनिशिएटिव हमने भी लिया है लोगों की हेल्प करने के लिए, जैसे MCA 2 years की हो गई है, पहले 3 years की थी, और काफी सारे लोगों को सिलेबस का क्या पैटर्न रहेगा, क्या उसका इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में कन्फ्यूजन रहता है। तो एक चैनल क्रिएट किया है सर हमने एक्स्ट्रा, इसी का ही सब चैनल है, उसके अंदर हम लोग पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे हम लोग वीडियो लेक्चर्स डालते हैं। अगर किसी को रेफर करना है MCA में कि हम आगे क्या सिलेबस है उसका और कौन से क्वेश्चंस आते हैं, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, हम भी स्टूडेंट्स हैं तो साथ में हम लोग सीख रहे हैं, साथ में हम लोग सिखा रहे हैं। तो बस एक इनिशिएटिव है क्योंकि पहली बार ऑफलाइन एग्जाम हो रहे हैं 2 year MCA कोर्स के लिए, तो अगर किसी को MCA में भी हेल्प चाहिए तो वो मैसेज डाल सकते हैं हम लोग को। डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।